इस एपिसोड में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि न्यू बॉर्न का जर्मनी में बर्थ सर्टिफिकेट कैसे प्रोसेस करवाया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं और कौन कौन से पॉसिबल वेज हैं जिनके थ्रू आप बेबी का जो है बर्थ सर्टिफिकेट प्रोसेस करवा सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। सो बेबी की बर्थ के बाद जर्मनी में बेबी का जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसके प्रोसेस करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। नंबर वन ये है कि हम हॉस्पिटल के थ्रू अप्लाई कर दें बर्थ सर्टिफिकेट, और सेकंड वे ये है कि हम स्टैंडर्ड एग्जाम में डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। जनरली हॉस्पिटल भी आपके डॉक्यूमेंट लेके स्टैंडर्ड एग्जाम को ही देगा और वो प्रोसेस करेंगे। सो स्टैंडर्ड एग्जाम बेसिकली जर्मनी में रजिस्ट्री ऑफिस है, और हर सिटी में जर्मनी में एक काफ़ी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है सिटीज़ का, और हर सिटी के अंदर एक स्टैंडर्ड एग्जाम होता है जो कि इंग्लिश में रजिस्ट्री ऑफिस कहलाता है। स्टैंडर्ड एग्जाम जो है रिस्पॉन्सिबल है आपके बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट प्रोसेस करने के लिए। सो सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने डिसाइड करना है कि आप हॉस्पिटल के थ्रू अप्लाई करेंगे या फिर स्टैंडर्ड एग्जाम के थ्रू। हमारे केस में हमने हॉस्पिटल के थ्रू प्रोसेस किया था क्योंकि बहुत ही ईजी वे होता है, इसके अंदर आपको स्टैंडर्ड एग्जाम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और हॉस्पिटल आपको बता देता है कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं उसके अंदर सबसे पहली चीज़ है मदर का पासपोर्ट, उनको रिक्वायर्ड होता है, वो इसकी कॉपी कर लेंगे और ओरिजिनल आपको वापस कर देंगे। सेकंड डॉक्यूमेंट जो है वो फादर का पासपोर्ट होगा, वो इसको भी कॉपी करेंगे और जो ओरिजिनल है वो आपको रिटर्न कर देंगे। थर्ड जो है वो इसके अंदर आपके पास अगर परमानेंट रेजिडेंसी है या फिर आपके पास ब्लू कार्ड है, व्हाटएवर जो भी आपका स्टेटस है जर्मनी में, वो आपसे आइडेंटिटी कार्ड मांगेंगे, उसकी भी वो कॉपी करेंगे और वो आपको रिटर्न कर देंगे। ये भी फादर और मदर दोनों का ही रिक्वायर्ड होता है। फिर वो आपसे ओरिजिनल निकाहनामा भी मांगेंगे। हमारे केस में चूंकि मेरी वाइफ FRV के थ्रू फैमिली रीयूनियन वीज़ा के थ्रू आई, तो हमारी वेरिफिकेशन ऑलरेडी पाकिस्तान में कम्प्लीट हुई थी। ओरिजिनल निकाहनामा जो कि नादरा ने इशू किया होगा वो, और जर्मन ट्रांसलेटेड निकाहनामा भी रिक्वायर्ड होता है। ये दोनों वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखेंगे अपने पास और इसकी कोई कॉपी नहीं करते हैं, और ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जाते हैं। इसी तरह आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म के अंदर आपने मदर की डिटेल्स और फादर की डिटेल्स डालनी होंगी, और साथ ही साथ आपने बेबी का क्या नाम रखना है वो भी आपने उसके अंदर मेंशन करना होगा। बेबी का नाम रखने के लिए जर्मनी में आपके पास दो ऑप्शन होती हैं, या तो आप जर्मन लॉ फॉलो करें या फिर आप अपनी कंट्री का, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का लॉ फॉलो करें। तो हमारे केस में हमने पाकिस्तान का लॉ फॉलो किया था, और आपको उसके अंदर मेंशन करना होता है कि आप कौन सा लॉ फॉलो करना चाहते हैं बेबी का नाम सेलेक्ट करने के लिए। जर्मनी में जब बर्थ सर्टिफिकेट प्रोसेस किया जाता है न्यू बॉर्न बेबीज़ का, तो जनरली जो है तीन सर्टिफिकेट इशू होते हैं। उसमें एक सर्टिफिकेट इंश्योरेंस कंपनी के लिए होता है, एक सर्टिफिकेट किंडरगार्टन के लिए होता है जो कि बच्चों को मंथली बेस पे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अलाउंस मिलता है, और इसी तरह एक सर्टिफिकेट होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ एल्टनगार्टन के लिए, जो कि 14 मंथ के लिए पेरेंट्स को मिलता है। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन या इनकी एप्लीकेशन किस तरीके से प्रोसेस की जा सकती हैं उसके लिए हम आपके लिए सेपरेट एपिसोड डेडिकेट करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक हो कॉमेंट में टाइप कर दें, और वीडियो को एंड तक देखें, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बर्थ सर्टिफिकेट की जो कॉस्ट है वो तकरीबन इस सिटी के अंदर, सिटी टू सिटी वेरी भी करती है, बट 12 यूरो इसकी कॉस्ट होती है एक बर्थ सर्टिफिकेट की। तीन बर्थ सर्टिफिकेट जो कि एल्टनगार्टन, किंडरगार्टन और इंश्योरेंस कंपनी के लिए होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं,
और बाकी आप अगर इंटरनेशनल बर्थ सर्टिफिकेट इशू करवाना चाहते हो तो उसकी जो कॉस्ट है एक सर्टिफिकेट की 12 यूरो है। हमारे केस में हमने तकरीबन 2 बर्थ सर्टिफिकेट इंटरनेशनल बर्थ सर्टिफिकेट इशू करवाए थे और टोटल कॉस्ट हमें उसकी पड़ी थी 24 यूरो। इंटरनेशनल बर्थ सर्टिफिकेट का पर्पज़ यही है कि जब आप इसको अगर आपको कहीं पे भी बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरत होगा तो आपको वो इंटरनेशनल बर्थ सर्टिफिकेट शो करवाना पड़ता है। और ये बर्थ सर्टिफिकेट किस तरीके के होते हैं वो मैं आपको शो करवाता हूँ। ये है, ये बर्थ सर्टिफिकेट है एल्टन गेल्ट के लिए, और इस बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर उन्होंने मेंशन किया होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एल्टन गेल्ट के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये जो सेकंड बर्थ सर्टिफिकेट है ये किंडरगेल्ट के लिए है, और इसके ऊपर भी उन्होंने मेंशन किया है कि ये किंडरगेल्ट के लिए सिर्फ यूज़ होगा। और जो ये वाला बर्थ सर्टिफिकेट है ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए यूज़ होगा। ये जो लास्ट है ये है इंटरनेशनल बर्थ सर्टिफिकेट। ये आपने कहीं पे भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देना होता है, ये आपके पास होता है, जहाँ पे भी यूज़ करना हो इसकी आपको कॉपी यूज़ करनी पड़ती है। अगर आपकी वाइफ FRV की बेस के ऊपर जर्मनी आई है तो फिर मे बी ये रिक्वायरमेंट भी हो कि स्टैंडर्ड नाम से आपको एक ईमेल आएगी जिसके अंदर वो आपको एक फुल मार्क देंगे, जो कि ये आप जैसा कि देख रहे हो इसके अंदर आपने बेसिकली रजिस्ट्री ऑफिस में जो आपका ऑफिसर है उसको परमिशन देनी है कि वो ये सब वेरीफाई करे कि वाकई में आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो वेरीफाइड है या नहीं। जनरली 10 वर्किंग डेज के अंदर जो है आपको एक ईमेल आएगी स्टैंडर्ड नाम की तरफ से, और वो आपको बताएंगे कि आप जो है इस दिन अप्रोक्सीमेट टाइम पे जाके अपने बर्थ सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हैं, और आपको एक जस्ट पेपर पे साइन करना होगा और वो आपको आपके डॉक्यूमेंट और बर्थ सर्टिफिकेट दे देंगे। आपने वहाँ पे ये सारे अपने डॉक्यूमेंट चेक करने हैं क्योंकि उसके अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी होते हैं, और वो सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लें, और इसी तरह बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर जो जो इन्फॉर्मेशन प्रिंट हुई है उसको भी एक बार आप चेक कर लें। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इसके अंदर। सबसे पहली टिप ये है कि जब भी आप फॉर्म फिल करें स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, बेबी के नेम के स्पेलिंग और सारी डिटेल एटलीस्ट एटलीस्ट 3 से 4 मरतबा रीचेक करें। अगर आप 6 बार भी रीचेक करना चाहें तो वो आपको प्रिंट करके देंगे, और इससे उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है कि आप कितनी बार ये चेक कर रहे हैं। जस्ट बी श्योर कि सारी डिटेल और जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, कोई उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। दूसरी इसके अंदर टिप ये है कि आप डॉक्यूमेंट जो है पहले से प्रिपेयर कर लें और डायरेक्टली हॉस्पिटल से अप्लाई कर दें। बहुत ही ईजी होता है ये प्रोसेस, और अगर आप स्टैंडर्ड एग्जाम से करेंगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड एग्जाम लेके जाने पड़ते हैं, और फिर वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस लगता है क्योंकि उस टाइम के अंदर जो फर्स्ट 3 डेज होते हैं डिलीवरी के बाद, उसके अंदर आप वैसे भी हॉस्पिटल चक्कर लगा रहे होते हो, तो या आप उधर से हॉस्पिटल के काउंटर से आप इंफॉर्मेशन लेके वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी टिप इसके अंदर ये है कि आप हमेशा अपने पास कैश रखें, क्योंकि बहुत से हॉस्पिटल्स के अंदर जो है कार्ड सिस्टम नहीं अवेलेबल होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कैश एक्सेप्ट करते हैं। तो वी होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अब आपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए कैसे अप्लाई करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, और न्यू बॉर्न बेबी के लिए हम ये किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ एपिसोड नंबर 3 में। स्टे ट्यून विद अस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और कोई भी सजेशन और फीडबैक हो तो कमेंट में टाइप कर दें। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।